हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, और ग्रेविटेशन चैप्टर में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। सबसे बड़ा इशू रहता है फिजिक्स में स्टूडेंट्स का, थ्योरी पोर्शन तो याद कर लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन की बात आती है तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे चुटकियों में आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे ग्रेविटेशन के। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को तीन इक्वेशंस पढ़नी पड़ेंगी। आप लोगों ने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को पता है, मोशन चैप्टर में पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी। पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर थी हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, या फिर इसे कुछ ऐसे भी लिख सकता था वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, दोनों ही तरीके सही थे लिखने के। एंड द लास्ट वन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी तीन इक्वेशंस थी मोशन की। मोशन चैप्टर में सबसे बेसिक चीज़ ये थी हमारी, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे किस चैप्टर के लिए, ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए। तो इन्हीं को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इनका मोशन ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग कौन सा नाम से पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। चलिए, तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशंस तो सब कुछ यही रहने वाली है, इसमें दो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल जी, क्योंकि आपको पता है स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी भी एक्सेलरेशन होता है लेकिन इट इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फ्री फॉल से आप लोग वाकिफ हो, नहीं तो इसकी वीडियो भी हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं, अगर कोई बॉडी फ्रीली ऊपर से ड्रॉप की जा रही है तो ग्रेविटी उसे जो अट्रैक्ट करेगी इसे बोला जाएगा केस ऑफ फ्री फॉल। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू स्मॉल जी के बराबर होती है और इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 वैल्यू। अब कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, ए की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, जी से, और एस की वैल्यू रिप्लेस हो जाती है स्टूडेंट्स एच से, एच हाइट। एस क्या होता था, एस होता था हमारा डिस्टेंस जो कि एक बॉडी ट्रेवल करती थी, लेकिन यहां क्या हो रहा है, देखो एक बॉडी ऊपर से ड्रॉप की जा रही है, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसने इस हाइट से लेके जमीन तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसे मैं क्या बोल सकता हूं, इसे हाइट बोल सकता हूं। तो डिस्टेंस किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइट से। ठीक है, कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी हमने और किसी हाइट पे आके वो रुक गई, तो जमीन से ऊपर तक का जो डिस्टेंस होगा उसे आप क्या बोलोगे, हाइट। तो एस को रिप्लेस करेंगे हम लोग हाइट से। चलो अब इक्वेशन हम लोग मॉडिफाई करते हैं, v की वैल्यू v ही रहेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल जी जी टी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। क्लियर, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह क्या आएगा, g, और s की जगह h, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, एस की जगह हमारा एच आएगा, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ए की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करी है मैंने कुछ नहीं किया, तीनों इक्वेशंस में बस वैल्यूज रिप्लेस करी है, स्मॉल ए की जगह वैल्यू स्मॉल जी यूज किया है और एस की जगह पे वैल्यू क्या यूज किया मैंने, एच। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस निकल के आती हैं इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ बॉडीज। ठीक है, अब कुछ टर्म्स निकल के आती हैं यहां से कि न्यूमेरिकल्स में यूज कैसे करना है। तो देखो सबसे बेसिक चीज यहां पे कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि यू की वैल्यू जीरो कब होगी और वी की वैल्यू जीरो कब होगी। सबसे बड़ा इशू बच्चों के दिमाग में, यू और वी कब कौन सी वैल्यू जीरो होगी और कब कौन सी वैल्यू की कुछ वैल्यू लेनी है आपको। मतलब जैसे अगर मान के चलो मुझे कुछ वैल्यू दिया कि एक बॉडी है और वो किसी वेलोसिटी से फेंकी गई है 10 मीटर पर सेकंड, तो डिसाइड कब क्या किया जाएगा कि इनमें से 10 कौन सा होगा। चलो बताता हूं, जब भी बॉडी ऊपर से ड्रॉप की जा रही है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर ये मेरा मार्कर है
और ये मैंने ऊपर से ड्रॉप किया। अभी देखो ये कैसा है, एट रेस्ट, एट रेस्ट है ना, अभी जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये मोशन में आएगा, और एट रेस्ट है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो। तो जब भी कोई बॉडी ऊपर से ड्रॉप की जाएगी, जब भी कोई बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप की जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप हमेशा क्या लोगे, जीरो, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला जाएगा व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट, कि कोई बॉडी रेस्ट से ड्रॉप की जाती है और वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव करती है, तो उस केस में 10 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मींस वी। यू कब जीरो होगा, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, ड्रॉप्ड फ्रॉम सम ठीक है, मतलब मेन चीज है आपको जीरो का पता करना, बाकी तो फिर दूसरी वैल्यू आप पता ही कर लोगे, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप की जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मींस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखो वी की वैल्यू जीरो कब होगी, वी की वैल्यू जीरो होगी आपकी अगर मुझसे बोला जाए कि ये मेरा मार्कर मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका तो फेंकूंगा कब, जब कुछ वेलोसिटी दूंगा ऐसे, तभी तो बॉडी ऊपर जाएगी। देखो कॉमन सी बात है, अगर ये इनिशियली रेस्ट पे है और मैं इसे ऊपर फेंकना चाह रहा हूं तो मुझे कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसे, तो मतलब वो कौन सी वेलोसिटी होगी, वो मेरी होगी इनिशियल वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी मुझे किसी हाइट तक फेंकनी है तो उसे एक इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल चीज आप करके देख सकते हो ये चीजें। तो अच्छा, जब ये ऊपर फेंका मैंने तो एक हाइट ऐसी आएगी जहां जाके ये मार्कर रुक जाएगा, कॉमन सी बात है ना। अगर इस हाइट पे आके ये मार्कर रुक गया मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो इस केस में आपकी वी कब जीरो हो जाएगी, जब व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब भी कोई बॉडी वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। अगर जीरो नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है, अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही, इसका मतलब तो कि आपने ये मार्कर फेंका और ये कभी रुकेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। आपने एक मार्कर फेंका और आज से 100-200 साल बाद भी ये मार्कर ऊपर की तरफ ट्रेवल करता जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, और जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। बस न्यूमेरिकल्स कर लोगे अब आप लोग। मेन चीज है ये दो, मेन चीज है ये दो। अभी मैं इसके कुछ टर्म्स लिखा देता हूं, आपको नोट कर लेना आप लोग साथ के साथ। तो देखिए, अभी मैंने आपको यू और वी का कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आता है जी का कॉन्सेप्ट। जी की वैल्यू स्मॉल जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू रहती है आपकी 9.8। अब इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि जी को कब पॉजिटिव लिया जाए और कब नेगेटिव लिया जाए। तो एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, मतलब ये मार्कर अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, जब भी बॉडी डाउनवर्ड में आएगी तो जी कैसा लेना होगा आपको, पॉजिटिव। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड, जब भी नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि स्मॉल जी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटी किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, और जब भी कोई ग्रेविटी, जब भी किसी बॉडी को ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो जी पॉजिटिव, पॉजिटिव। और जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी जी नेगेटिव। तो कुछ दिमाग में नहीं रखना, बस एक चीज दिमाग में रखनी है, जब भी बॉडी डाउनवर्ड आएगी जी पॉजिटिव, और जब भी बॉडी अपवर्ड जाएगी तो आपको जी कैसा लेना होगा, नेगेटिव। ये टर्म्स आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करिए, न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे आपके। तो चलो मैं एक न्यूमेरिकल और करा देता हूं अपने इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे, कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच करना होगा। एक न्यूमेरिकल ले लेते हम लोग। तो देखिए, ये एक न्यूमेरिकल हम लोगों का, इस न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल बोला है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज 19.6 मीटर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन बाय इट टू राइज हाईएस्ट पॉइंट। एक बॉडी है कोई भी, सपोज कर लो एक बॉल है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, और वो जब बॉल फेंकी है ऊपर की तरफ, वो कितनी हाइट तक गई है, 19.6 मीटर तक। मतलब नीचे से बॉल फेंकी और उस बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी हाइट ट्रेवल की, वो ट्रेवल की 19.6 मीटर। अब बोला फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी टू राइज दैट हाइट। अब जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, बताया था ना। जब भी कोई चीज जमीन से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी
नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तब वी जीरो होता है हमेशा, लेकिन यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है इस न्यूमेरिकल में। समझ आई मेरी बात? मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको दी नहीं है, वो कैलकुलेट करनी है, और बोला जा रहा है कि बताओ इस हाइट तक जाने में बॉल को कितना वक्त लगा होगा, मीन्स टाइम। तो सबसे बेसिक चीजें पहले गिवन चीजें नोट कर लेते हैं। देखो गिवन क्या हो गया इनडायरेक्टली, जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है, बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी वी क्या होता है, जीरो। ये बोला नहीं है लेकिन अंडरस्टूड होती है सारी चीजें न्यूमेरिकल्स पढ़ के, यू और वी का कॉन्सेप्ट। यू और वी में से एक चीज तो जीरो होगी ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में, ग्रेविटेशन की जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे यू और वी में से एक चीज हमेशा जीरो होगी, लेकिन कब कौन सी होगी वो अभी मैंने आपको बताया था, वीडियो को पीछे जाके एक बार देख लीजिए। तो वी जीरो हो गया। U की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, और डिस्टेंस मींस हाइट दे दिए कितनी, 19.6 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन फॉर्मूलेज, हमारे पास तीन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए की जगह एटी होता था, ए की जगह क्या आ गया था जीटी। नहीं समझ आया जिन लोगों को, एक बार वीडियो बैक करके देखो कैसे मैंने फॉर्मूलेज लिए थे। दूसरा फॉर्मूला था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस था, यानी जी टी। तीसरा था एस इक्वल टू, एस मीन्स एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलेज थे। अब देखो कौन सा फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लॉजिक वही, वी यू और टी फाइंड करना आपको, एच है तो कोशिश करो वी, मतलब इन तीन चीजों की मदद से आप कोई एक चीज फाइंड कर लो। पहले देखो पहला फॉर्मूला यूज करता हूं अगर मैं, तो मेरे पास वी की वैल्यू तो है जीरो, यू भी नहीं है और टी भी नहीं है। अच्छा यहां से एक और चीज हो गई आपको, देखो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई तो आपके पास जी की वैल्यू आ गई माइनस का 9.8। अभी बताया था ना मैंने कि जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो की जाएगी, ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी, तो स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा माइनस होगी, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो स्मॉल जी की वैल्यू पॉजिटिव। चलिए माइनस 9.8 हो गया। अब देखो यहां से पहला वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ना तो टी आपके पास ना यू आपके पास। सेकंड वाले को देखते हैं, वी की वैल्यू है ठीक है, यू कैलकुलेट करना है, चलो काम चल जाएगा, कैलकुलेट तो हमें वैसे भी करना है, जी है टी है, टाइम है क्या हमारे पास, नहीं है टाइम भी नहीं हमारे पास, यानी सेकंड वाला भी हमारा फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। तीसरा वाला देखते हैं, हाइट है, कुछ फॉर्मूले में मिस्टेक तो नहीं की हमने, ये होता फॉर्मूला एक्चुअली, सॉरी वी फॉर्मूला ये होता था ना हमारा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, हमने गलत लिख दिया सॉरी उसके लिए। तो वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर, टू की जगह टू, एक्सेलरेशन की जगह जी, और डिस्टेंस की जगह एच। तो हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब देखो वैल्यू स्पोर्ट करते हैं, वी की वैल्यू जीरो, यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्लस टू, जी की वैल्यू माइनस 9.8, माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी 19.6, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसे आप लोग कैलकुलेट करिए। तो देखिए हमारी यू की वैल्यू आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो यू की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टी की वैल्यू। टी की वैल्यू के लिए हम लोगों के पास एक इक्वेशन है, सबसे पहली वाली बड़ी आसान सी, वी की वैल्यू है हमारे पास, यू की वैल्यू है, जी है, टी फाइंड करना है। तो पहली वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, वी की वैल्यू हमारी थी जीरो, इक्वल्स टू यू की वैल्यू आई हमारी 19.6, माइनस क्यों आ जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू अब आप लोग माइनस 9.8 रखने वाले हो, 9.8 इंटू टी, इसे कैलकुलेशन करोगे तो 9.8 टी इक्वल्स टू 19.6, टी की वैल्यू आ गई 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8 मीन्स टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखिए यूनिट्स का ध्यान रखना, सारा सब कुछ एसआई सिस्टम में चल रहा है, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम किस में लेना होगा आपको, सेकेंड में। तो देखिए ये था हमारा न्यूमेरिकल का अप्रोच। लॉजिक क्या अप्लाई किया हम लोगों ने, सबसे पहले गिवन चीजें लिखी, गिवन चीजों में कुछ अंडरस्टूड चीजें थी, अंडरस्टूड चीजें बोले तो कि कुछ चीजें गिवन नहीं होती लेकिन ग्रेविटी के केस में हमें पता अपने आप चल जाते हैं। जैसे जब भी बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और जब बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो जी की वैल्यू होगी माइनस का 9.8, क्लियर। हाइट गिवन थी, टाइम फाइंड करना था और यू फाइंड करना था,
ये बेसिक स्टेप्स हम लोगों ने यूज़ किए। तो थैंक यू, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाना।